हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रुमानास किचन। आज मैं आपके साथ कोई कुकिंग वीडियो शेयर नहीं करूंगी। आज मैं ये फिलिप्स का एयर फ्रायर है, इस पर रिव्यू बनाने जा रही हूँ। रिव्यू और डेमो हम दोनों करेंगे। मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, फिलिप्स के एयर फ्रायर के बारे में, और इसका आपको डेमो भी दूंगी। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये है फिलिप्स का एयर फ्रायर, और इसमें ये जो रेगुलेटर जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है वो टाइमर है। ये 30 मिनट्स का टाइमर है। 30 मिनट्स के लिए आप कुछ भी कुक कर सकते हो, बेक करते हो सकते हो, फ्राई कर सकते हो, कुछ भी। 30 मिनट का टाइमर है। और यहाँ पर ऊपर ऐसा दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर 80 से लेके 200 तक का सेटिंग दिया हुआ है। और यहाँ पर आप चिकन फ्राई कर सकते हो, फिश फ्राई कर सकते हो, वेजिटेबल्स है, कोई भी आइटम फ्राई बेक कर सकते हो। और ये भी यहाँ पर भी सब सेटिंग दिए हुए हैं कि कितने मिनट पर कौन सी चीज़ रखनी है आपको। ग्रिल करना हो तो 180 है, बेक करना हो, स्टीम करना हो, अलग अलग सब फीचर्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसका पहले हम वायर देख लेते हैं। वायर इसका बहुत ही छोटा है गाइस। अगर आपके किचन में स्विच बोर्ड नीचे दिए हुए हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, वरना आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। प्लग बहुत ही छोटी साइज़ का है। और अब मैं उल्टा करके भी आपको पीछे से दिखा देती हूँ ये कितने वोल्ट का है। ये 220 से 240 वोल्टेज है इसका। मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और ये फिलिप्स बहुत ही अच्छी ब्रांड है। मेरे पास फिलिप्स का फूड प्रोसेसर है, वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मेरे पास फिलिप्स कंपनी का जूस मशीन भी है, जो आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। और ये फिलिप्स का मैंने एयर फ्रायर बाय किया था, इसे भी मुझे करीबन 3 ईयर्स हो चुके हैं। और ये अभी आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये टोटली सब कुछ इसके अंदर फोल्डिंग आता है। ये इसका बास्केट है, देखिए ऑयल वगैरह जो भी गिरता है वो इसमें स्टोर हो जाता है। और ये पूरी फोल्डिंग बास्केट है। ये बास्केट का जो अंदर के नीचे जो जाली वगैरह लगी हुई है, ये भी बहुत ही ईजीली निकल जाती है। वॉश करने में बहुत ही आसानी होती है इसमें। ये सब कुछ वॉशेबल है और पूरा फोल्डिंग है। आप आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो इसमें से वॉशिंग के टाइम पर। और बास्केट ईजीली इसमें जो नीचे बास्केट दी हुई है उसमें अटैच हो जाता है, और आप आराम से पुल एंड पुश कर सकते हो। और ये जैसे ही हम इसे पुश करते हैं लॉक हो जाता है ये। और अब इसे हम इन फिलिप्स के एयर फ्रायर में इंसर्ट कर देते हैं। देखिए, उसे पुल और पुश करना बहुत ही आसान है और बहुत ही हैंडी है, कि बहुत ही इजीली बास्केट रिमूव हो जाता है। अगर आपने फिलिप्स के जूस मशीन की वीडियो अब मेरी नहीं देखी तो मैं यहाँ लिंक लगा दूँगी, आप देख लेना। और अब मैं प्लग इन कर देती हूँ और फिलिप्स के एयर फ्रायर को मैं चालू करती हूँ। और अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए थोड़ी देर चलाऊंगी ताकि ये प्री हीट हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ 3-4 आइटम फ्राई वगैरह करके कि इसका टेक्सचर कैसा था और ये कैसे बनते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि ये कैसे फ्राई होते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज है मकेन के, ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ इसमें, और विदाउट ऑयल। एक बूंद भी मैं ऑयल नहीं नाखूंगी इसमें, और मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी इसमें एयर फ्रायर में। 5 मिनट हो चुके हैं, एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है। मैंने फ्रेंच फ्राइज इसमें बास्केट में डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें पुश कर दूंगी इसको। और मैं टाइमर सेट कर देती हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे, 15 मिनट के लिए मैंने रखा है। 15 मिनट के बाद इसमें से बीप करके साउंड आएगा और ये बंद हो जाएगा। देखिए, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। देखिए, अभी 5 मिनट और बचे हैं और मैंने चेक किया है, अभी थोड़ा बाकी है फ्राई होना। फिर से हम रख देते हैं। अभी देखिए, बीप करके आवाज़ आई है इसमें से, और ये देखिए कितने मस्त फ्राई हो चुके हैं। देखिए, और ये बहुत ही क्रिस्पी और विदाउट ऑयल में बने हैं, और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। देखिए,
15 मिनट में फ्रोजन आइटम आपकी कुक हो जाती है, और वो भी विदाउट ऑयल में। और ये तो चिप्स मैंने आपको बताए, देखिए ये ऐसे फ्राई हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची है। ये एयर फ्रायर में चिकन भी बहुत ही अच्छे से ग्रिल होती है। चिकन को जस्ट मैरिनेट कर दो और आधे एक घंटे के बाद उसे एयर फ्रायर में रख दीजिए, और बहुत ही अच्छे से चिकन ग्रिल हो जाती है विदाउट ऑयल में। आइए तो अब मैं दूसरा कुछ फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। मक्केन के मेरे पास पोटैटो बाइट्स है, मैं पोटैटो बाइट्स फ्राई करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे फ्राई होते हैं, वो भी विदाउट ऑयल में। एक बूंद भी मैंने ऑयल नहीं डाला इसमें। अब 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं 15 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ इसे। बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे, सिर्फ एक से दो बार ही करना है स्टर। हाँ, अभी 5 मिनट और बाकी है। बस ये हो चुके हैं कंप्लीट 15 मिनट्स। आइए तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए वाओ, देखिए कितना मस्त कलर आ चुका है, देखिए परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी आवाज़ आ रहा है इसका, क्रिस्पी एंड क्रंची, और ये भी विदाउट ऑयल में है। एक बूंद भी ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, और ये विदाउट ऑयल से कितने मस्त बने हैं देखिए। ये एयर फ्रायर का यही कमाल है कि मस्त फ्राई हो जाते हैं, और इसमें बिल्कुल ऑयल भी यूज़ करना नहीं पड़ता। देखिए बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बने हैं, देखिए ये पोटैटो बाइट्स बहुत ही मस्त बन के तैयार हुई थी, इसका टेस्ट भी ऑसम था। अब मैं आपको समोसा फ्राई करके दिखाते हैं, देख लेते हैं समोसे कैसे फ्राई होते हैं। मक्केन के हैं ये चीज़ समोसे। अब सब समोसे हम इसमें बास्केट में प्लेस कर देते हैं। इसमें भी मैं एक बूंद भी ऑयल नहीं नाखती, और हम देखते हैं कैसे फ्राई होते हैं। आइए तो मैं फटाफट से सेटिंग कर लेती हूँ। 180 डिग्री पे मैंने 15 मिनट के लिए रखे थे समोसे, और आप देख सकते हो समोसे अच्छे फ्राई नहीं हुए। फ्राई तो वैसे अच्छे हुए, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ भर, ये एक्चुअली चीज़ वाले समोसे थे, चीज़ सब बाहर आ चुकी है, तो इसके लिए बिग थम्स डाउन है। समोसे इसमें बिल्कुल भी फ्राई ना करें, और स्पेशली चीज़ वाले समोसे हो तो बिल्कुल भी फ्राई ना करें, क्योंकि देखिए चीज़ पूरी बाहर आ चुकी है, और ये फ्राई तो अच्छे हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची तो है ही, लेकिन चीज़ पूरी मेल्ट होकर बाहर आ गई थी। ये तो डीप फ्राई हो सकते हैं, एयर फ्रायर का काम नहीं है चीज़ समोसे फ्राई करना। सिंपल जो समोसे आते हैं वो अच्छे फ्राई होते हैं, सिंपल वाले समोसे मैंने एयर फ्रायर में किए हुए हैं, तो सिंपल समोसे अच्छे फ्राई होते हैं, तो वो आप फ्राई कर सकते हो। ये चीज़ समोसा था तो ये अच्छे फ्राई नहीं हुए। अब एक और चीज़ में फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी मक्केन के फ्राइज है, मसाला मिक्स है, इसे भी हम फ्राई करके देख लेते हैं ये कैसे फ्राई होते हैं। ये देखिए पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम देख लेते हैं ये कैसे फ्राई होते हैं। इसे भी 180 डिग्री सेल्सियस पर हम 15 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, वो भी विदाउट ऑयल में। एक बूंद भी ऑयल मैंने नहीं नाखा, सिर्फ 15 मिनट ही करना है 180 पे। बीच बीच में हम देखते रहेंगे। मैं ये 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बहुत सी आइटम इसमें बनाई है, और ये फ्राई बहुत ही अच्छा होता है, विदाउट ऑयल में होता है फ्राइंग, और जो फ्रोज़न आइटम होती है तो बहुत ही अच्छी फ्राई होती है इसमें। अभी देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, और मैं आपको बता रही हूँ देखिए कितने मस्त फ्राई हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। और ये फ्राइज मसाले वाली आती है, मसाला इसमें अलग आता है, इस पे आप स्प्रिंकल कर एंजॉय कर सकते हो। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है। ये एयर फ्रायर बहुत ही काम की चीज़ है, सबके किचन में होनी चाहिए।
देखिए फ्राइज़ कितनी मस्त फ्राई हुई है, वो भी विदाउट ऑयल में, और पता भी नहीं चलता इसमें ऑयल यूज़ नहीं हुआ। और इसी तरह मैं एयर फ्रायर बेस पर अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। दुआओं में याद रखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।